हम बंगालीस ना, चाहे कितना भी हम हिंदी अच्छे से बोल लें, हमें लड़का और लड़की में प्रॉब्लम हो ही जाती है। ए लड़का, तू यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रहा है? ए लड़की, तू यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है? इस तरीके का कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हमें हो ही जाती है। हम बंगालीस के घर में ना एक पेट नेम होता ही है, ये तो आप सब लोग जानते हो। उनमें से कॉमन क्या है? बाबू, सोनू, मोनू, बुड़ी, बुड़ो, इस तरीके का। चाहे वो 6 साल के बच्चे हो, चाहे वो 1 साल की 2 साल के बच्चे हो, उसे बुढ़ी या बुड़ो कहा जाता है। जैसे मेरे बेटे का पेट नाम बाबू नहीं है, मेरी जेठानी के बेटे का नाम बाबू है तो उसे बाबू बुलाया जाता है, तो सब लोग ना मेरे बेटे को ना छोटा बाबू बुलाते हैं। मतलब बाबू उसका नाम नहीं है लेकिन रख दिया गया है छोटा बाबू। में लोग एक दूसरे को ना ओ दादा, ओ दीदी, ओ मासी माँ, ओ काकी माँ, इस तरीके से बुलाते हैं। आपकी उम्र नहीं देखी जाती है, शायद आप 60 साल की बूढ़ी भी हो सकते हो, आप हो सकते हो कि 15 साल की या 18 साल की बच्ची भी, तो उसको इस तरीके से बुलाया जाता है। जब हम घर से निकलते हैं ना, डायरेक्टली ये नहीं बोल पाएंगे कि मैं जा रही हूँ, हमें बोलना पड़ेगा अभी आ जाऊँगी या तो आ रही हूँ, हाँ ठीक है चलती हूँ, ऐसा इस टाइप का। डायरेक्टली हम कभी नहीं बोलते कि मैं जा रही हूँ। किसी भी कॉल को एंड करना है, फ़ोन कॉल को, हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हाँ ठीक है मैं रख रही हूँ। हम क्या बोलते हैं? घुमा फिरा के ये बोलते हैं कि आज मैं रखती हूँ, मैं कल कॉल करूँगी। हम डायरेक्ट नहीं बोल पाते कि हाँ हाँ भाई आज मैं रखती हूँ। हाँ हाँ हम सब खाते हैं, हवा, पानी, दाल, चावल, इवन किसी का सर भी। बंगालीज ना कसम खाने के लिए एकदम फेमस है। हमारी में एक शब्द है माँ काली दिब्बी बोलछी, मतलब ये दिब्बी मीन्स कसम। ये कसम खा के कितने जन कितने झूठ को सच बना दिए। एक आँख किसी कारण बंद हो गए और वो किसी ने देख लिया, जब तक आप दोनों आँखें बंद नहीं करोगे तब तक आपको कोई छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप निकल रहे हो, मतलब समझो कि मैं निकल रही हूँ घर से और किसी ने छींक दिया, तो मुझे चाहे कितना भी लेट हो जाए, मेरा ट्रेन मिस हो जाए, मेरा फ्लाइट मिस हो जाए, लेकिन हमें वहाँ पे रुक के ही जाना पड़ेगा। वो 1 मिनट कम से कम वहाँ पे रुकना ही होगा, तभी मैं बाहर की तरफ कदम रख सकूं। अरे बाबा, दूर बाबा भाल लगे ना, धत तेरी का पार बोना ये काज। इस टाइप की कुछ वर्ड्स है और कुछ एक्सप्रेशन है जो हमारी बंगाली में कॉमन है, हम लोग बार बार रेगुलर में ही कभी ना कभी हम यूज़ करते हैं। सोचो कि डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के लिए दिया और टेस्ट रिपोर्ट आ गया है, टेस्ट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तब हमारी दिमाग एकदम गर्म हो जाता है। बोला था ना मुझे नहीं जाना है, अगर नहीं करवाता तो क्या होता, नॉर्मल ही आया है ना सब कुछ, मुझे पता था यार, मुझे पता था कि वो नॉर्मल होने वाला है। मतलब हमें रिपोर्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी चाहिए, अदरवाइज हमारे दिमाग गर्म हो जाता है कि हमारा सारा पैसा खर्च हो गया। मार्केट गए हैं, सोचो कि कोई भी चीज़ बार्गेनिंग कर रहे हैं, एक बैग, उसने 500 रुपया बोला, हमने कम दाम करके उसको 250 बोल दिया, वो आसानी से उसने दे दिया। तब से मेरे दिमाग ख़राब हो जाती है, मतलब हम बंगालीज के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, मेरे दिमाग तो ख़राब होते ही है। इस 250 ना बोल के अगर 200 बोल देती तो 50 रुपया मेरा बच जाता। क्या कर दिया यार, क्या कर दिया, 50 रुपया मेरा चला गया। अगर आप बंगाली हो तो आपके घर में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होता है, आप क्या क्या प्रॉब्लम मतलब फेस करते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।